बापड़ौदा दंगल में देश के तमाम बड़े बड़े हिंदकेसरी आए हुए हैं और उनसे हम बात करवा रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं और उन्हीं की जुबानी है कितने साल हो गए उन्हें मेहनत करते, कैसी खुराक वो लेते हैं, तब जाके है इस लेवल पर पहुंचा जा सकता है। सुरेश खेड़ी जट हिंदकेसरी पहलवान हमारे साथ हैं। सुरेश, कितने साल हैं आपको रेसलिंग करते हो चुके? कम से कम हो गए भाई साहब 16-17 साल, 20 के आसपास भी हो गए होंगे ज़रूर। तो देश के लोगों को मतलब बताइए कितनी तपस्या है एक पहलवान को करनी पड़ती है, कितना त्याग है वो करना पड़ता है? इसमें तपस्या तो देखो करनी पड़ती है भाई साहब वो, क्योंकि जैसे घर से छोटे बालकपन से लगते हैं उसमें 10 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं और उसके बाद प्रोग्रेस देनी शुरू करता है बच्चा। उसके बाद ये लगा लो कि देसी खुराक भी खानी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है। सुबह 4 बजे उठते हैं, कोचिस के मतलब पास में रहना पड़ता है, उसमें ऐसा हो जाता कि जितनी मेहनत करता बच्चा उतनी लगन से, अपनी लगन से और कोच अच्छा होगा तो और भी अच्छी जल्दी प्रोग्रेस करता है बच्चा। लोग कह रहे हैं कि हरियाणा का ही दबदबा है कुश्ती में, शायद वो जानते नहीं होंगे कि प्रत्येक गांव में खाड़ा होता है, हर गांव से कई कई बच्चे हैं, लाखों बच्चों में से कोई निकल के सामने आता है, आप जैसा चैंपियन उनको बताइए। देखो हरियाणा में तो घर घर में ही पहलवानी है, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं कि हरियाणा का दबदबा ऐसी बात है। हरियाणा में तो मतलब छोटे से लेकर और बुजुर्ग तक पहलवान है, घर घर में पहलवान है, तो दबदबा तो रहना है, एक आम बात है, उसकी कोई उड़कर ही नहीं सकता हरियाणा में पहलवानी की। तो जंतर मंतर पे जो हुआ उससे एक बतौर एक खिलाड़ी आहत हुए आप, जो फेडरेशन चैंपियंस के साथ ऐसा कर रही थी, पहलवान है उन्हें सड़कों पर बैठना पड़ा, कभी सोचा था ऐसा भी होगा कुश्ती में? नहीं नहीं, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं थी कि भाई कुश्ती में ऐसा भी दिन देखने के पड़ेगा कि भाई देश की जो करीम है वो एक दिन सड़कों पर आ जाएगी और उसके मतलब अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने मतलब फेडरेशन से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तो मतलब फेडरेशन ने उसमें जो चेंजमेंट चाह रहे हैं वो तो करना ही पड़ेगा, सरकार ने उनकी बात माननी पड़ेगी, जो भी आश्वासन दिया है उसके बारे में उन्होंने। बहुत सारे लोगों को नहीं पता एक पहलवान की खुराक क्या होती है, शायद जीभ का स्वाद छोड़ना पड़ता है, तली चीज़ें, चटपटी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती होंगी ना, और क्या क्या खाते हैं आप लोग? ये तो घर की डाइट है, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, बादाम हो गए और ये चटपटी जो तली हुई चीज़ है इनका तो सभी परहेज करते हैं, कोच साहिबान पहले ही बता देते हैं, वो भी नहीं करने देते हैं, तो इसमें ये चीज़ तो चलती नहीं कि आज बापड़ौदा में कैसी कुश्ती दिखाना चाहेंगे? वो देखो अच्छी अपनी ओर से तो अच्छा ही करेंगे, जो भी कुछ होगा वो जितनी मेहनत कर रखी है वो सामने आ जाएगी। बड़े पहलवानों से आर पार की कुश्ती की उम्मीद करते हैं लोग? देखो जो बराबर का होता है ना वो तो बराबर ही चलते हैं, क्योंकि ताकत दोनों में बराबर की होगी ना तो वो बराबर भी लड़ते हैं। हाँ आर पार वो हो जाती है जैसे 19-20 लड़ लिया कोई, या कभी कभी मतलब बराबर के में भी आर पार होनी होगी तो वो दाव लग गया, अच्छा दाव लगा दिया किसी ने तो आर पार होगी, नहीं तो चांस कम ही रहते हैं, बराबर के तो बराबर ही लड़ेंगे भाई साहब। आप अपने करियर की सबसे बेहतरीन कुश्ती किसे मानते हैं कि हाँ इन्हें हरा के मतलब खुशी हुई? देखो सारे लगभग पहलवानों से बड़े पहलवान जितने भी है, जोगिंदर है और अपने नवीन मोर है, वही एरी वाला है, नरेंद्र है, सभी से हुई है देखो कुश्ती तो, और वो हमारे इतने सीनियर पहलवान थे कि उनके साथ में लड़ते हैं ना एक गर्व महसूस हो रहा था। और किसे कुश्ती में आप अपना रोल मॉडल मतलब बतौर एक ये रेसलर बेहतरीन आपको लगे? भाई जैसे तो जोगेंद्र ही था, जोगेंद्र चंदी वाला, वो भी बाजा मारता था, उसी की देख के मतलब बाजा हम भी मारने लगे और बहुत लोगों को बाजा मारे हमने भी भविष्य के लिए। थैंक यू भाई। सुरेश खेड़ी जट थे और बता रहे हैं हम उन तमाम हिंदकेसरी पहलवानों से बात करके कि कितनी ज़बरदस्त खुराक है एक पहलवान तैयार करता है और कितने सालों की त्याग तपस्या के बाद है एक बड़ा पहलवान है वो देश को मिलता है। शुक्रिया।